हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ब्रह्मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फोर्थ वीक की, 23rd से 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। Eight of Swords, Seven of Swords, Six of Moon, the Moon in Reverse. Okay. Aquarians, with this seven of sphere, आप किसी तरीके के डायलेमा में हो सकते हैं इस वीक में। एक कंफ्यूजन, एक इल्यूजन है आपके सामने। सो एक्वेरियंस, आपके लिए इस वीक में काफी अच्छे आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो एट ऑफ सन्स है, इसका मतलब है कि आप जो भी करेंगे उसमें लक आपका साथ देगा। अगर आप बहुत समय से कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्क का प्लेस हो या रिलेशनशिप का प्लेस हो, ये आपका टाइम है। ये आपका टाइम है अप्रोच करने का। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी पे आपका क्रश है, हो सकता है कि आप उसे अप्रोच करना चाहें और वो आपको अप्रोच कर ले, या आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए ऑल ऑफ अ सडन जहां पे आप उन्हें अप्रोच कर सकें। एंड यहां पे है सेवन ऑफ स्फीयर्स, तो यहां हर तरीके का ऑब्स्टेकल अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये जो टाइम है, यहां मुझे लग रहा है आप कम करेंगे और आपकी डेस्टिनी ज्यादा रोल प्ले करेगी। यहां आपके हाथ में चीजें कम होंगी और किस्मत आपको ज्यादा चलाएगी इस वीक में। और पॉजिटिवली यहां आप लकी रहेंगे, जो चीज आप करना चाहेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, दूसरों से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा अपने काम का, और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, जहां भी हो, वर्क प्लेस पे हो या घर पे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने कितनी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है और जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ कितना बेनिफिशियल है। बट यहां पे सिक्स ऑफ मून के साथ आपके अंदर कुछ इल्यूजन्स है, आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन्स है। ये सारी विक्ट्रीज हैं आपके पास, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट स्टिल आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं एक्वेरियस। ओके, अब यहां पे द मून इन रिवर्स भी है। सो यहां पे आपके जो इमोशंस हैं वो पूरी तरह से आपको टायर्ड कर रहे हैं, आपको फेडअप कर रहे हैं, और ये चीज आपको इरिटेट कर रही है इन द लॉन्गर रन। आप पास्ट में देख रहे हैं सिक्स ऑफ मून के साथ, आपके आज में बहुत कुछ है, आपके प्रेजेंट में बहुत कुछ है एक्वेरियस। ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप पास्ट में देख रहे हैं सिक्स ऑफ मून के साथ, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको मेंटल तौर पे बहुत अनस्टेबल कर रही है। ये ऐसा ही है कि सारी खुशी आपके पास है, आसपास है, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लक है, चीजें अपने आप हो रही हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं वो सब सक्सेसफुल हो रहा है और हर कोई आपको प्रेज कर रहा है,
लेकिन आप किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप पास्ट में देख रहे हैं. सो एक्वेरियंस, मुझे लग रहा है आपको जो खुशी मिल रही है इस वीक में, आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. आप उसे आसानी से पाया हुआ समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपको आसानी से मिल रही है वाकई, क्योंकि आप लकी हैं. तो जो चीज आसानी से मिल जा रही है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है इस वीक में. आप अपने पिछले इश्यूज में अभी भी उलझे हुए हैं, स्टक हैं. याद रखिए कि जो भी आपको मिल रहा है नसीब से मिल रहा है, और उसे लेके आपको खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. ये पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट पे. चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए एक्वेरियंस, और कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. मास्टर इन रिवर्स, अल्केमिस्ट इन रिवर्स, let's check some more messages for you. Three of Moon, One of Moon in reverse. Although ये general reading है Aquarius, सबसे resonate नहीं करेगी, but अगर ऐसा है तो आपको अपने आसपास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. And of course, बिल्कुल reverse energy भी हो सकती है अगर आप cross watcher हैं. एंड इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल. सो यहां अगर हम आगे की रीडिंग आपकी देखने जाएं, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है विद द कार्ड ऑफ द मास्टर. आप सब लोगों से घिरा हुआ ना पसंद करते थे, लोगों की मदद करते थे, और अब आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा विदड्रॉन हो गया है. ये जो लोग आपके आसपास है आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आप उनसे दूरी बना रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा क्यों. वो लोग थोड़े से अपसेट हैं आपके बिहेवियर चेंज को देख के. वो सोच रहे हैं उन्होंने तो अपना 100% किया है, आपको सब कुछ दिया है जितना वो दे सकते थे, अपना टाइम हो, अपनी एनर्जी हो, जो भी हो, तो फिर आप क्यों नहीं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं. उन्हें ये नहीं पता कि आप अभी भी अपने पास्ट की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं या पास्ट में देख रहे हैं. बट यहां पे अल्केमिस्ट का कार्ड है. एट द सेम टाइम आपको लग सकता है कि आप लेजी हैं और चीजों की तरफ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते. आपने जैसे गिव अप कर दिया है, आप एक ही पॉइंट पे स्टक हो गए, रह गए हैं. आप बार बार फील कर रहे हैं कि आप यहां से नहीं निकल पाएंगे, आप इससे आगे नहीं कर पाएंगे. ऐसा आपके मन के अंदर आपके बन गया है एक तरीके का एनवायरनमेंट कि आप इस खुशी को फील नहीं कर पा रहे हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ जून, जबकि सब कुछ है आपके लिए, आपकी किस्मत है आपके लिए. यहां है थ्री ऑफ मून,
सडनली आपको कुछ मैसेजेस या नई न्यूज सुनने को मिल सकती है जो कि पॉजिटिव होगी। नेगेटिव आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस वीक में, लेकिन आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। आपके लिए इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मिल रहा है। और यहां पे है वन ऑफ मून, ये बर्ड देख रहे हैं आप, ये अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है इसमें। आप शायद अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, आप अपने आप में खामियां तलाश रहे हैं। दूसरों में आप गलतियां नहीं निकाल रहे, लेकिन दूसरों का अप्रिसिएशन को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। बट यह रिफ्लेक्शन, ये रिवर्स में कार्ड है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फ्लॉज है। दूसरे देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ अचीव किया है और आप देख रहे हैं कि आपने क्या अचीव नहीं किया है। दूसरे लोग क्लियरली पॉजिटिव साइड देख रहे हैं और आप अभी भी उस नेगेटिव साइड को लेकर स्टक है एक्वेरियंस। ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं एक्वेरियंस। Quenian, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। देखिए ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है आपकी रीडिंग के साथ। सो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये लव जो कि आपको दूसरों से मिल रहा है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। डू वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, यहां सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ बैठे हुए एक्वेरियंस, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और अब वो अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो आपको भी वो करना चाहिए जो इन्हें खुश करे, जिन्होंने आपको खुश किया है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आप उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं जिनकी किया करते थे और ये चेंज वो लोग नोटिस कर रहे हैं, उनको आपकी मदद की अभी भी जरूरत है। सो अपना हेल्पिंग हैंड में जरूर ऑफर करें। ये थी रीडिंग आपकी फोर्थ वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.